जब से नारद जी ने मुख से अपने गुण रूप शील अवस्था को प्रशंसा सुनी उसी दिन से इसे अपने मन से निश्चय आपको अपना पति समझ ले। हे द्विज ग्रह अग्रगण्य, श्रद्धा से इस कन्या को आप किसके चरण शरणों में लाया हूँ, आप इसको ग्रहण कीजिए। आपके गृहस्थ आश्रम करने के ये सर्व प्रकार योग्य हैं। जो उस तो आप ही घर बैठे मिल जाए उसका त्यागना उचित नहीं है। जो सब संग से निर्मुक्त हैं उसी तो क्या है, जो कोई प्राप्त होती वस्तु का निरादर करते हैं वो और पीछे याचना करते हैं उनका यह बड़ा हुआ यश क्षीण हो जाता है, महान ही हन हो जाता है। हे मुनि सत्तम, मैंने सुना था कि आपकी इच्छा विवाह करने की है, इस कारण देवहूति कन्या को आप ग्रहण करें। ऋषि बोले, आपसे बहुत अच्छा विचार, मेरा विवाह करने की इच्छा है। तुम्हारी दुहिता भी अप्रदुत अर्थात अविवाहित है, हमारे दोनों की अनुरूप ही आद्य विवाह की विधि है। हे नारनाथ, तुम्हारी इस कन्या का मनोदर पूर्ण हो और तुम्हें उत्साह हो, यही वेद विधि है। भूषण वसनु की भूषिनी अपनी कांति से श्री की गंधर्व स्त्रिया सहित अपनी कीर्ति को भी गान कर रहे, तथापि स्वयं प्रातःकाल संध्या समय अनुरागी हृदय से श्री नारायण की कथा प्रतिदिन सुनते हैं, योग माया से विमग्न रहते, भगवत परायण को अनेक प्रकार भोग भ्रष्ट करने में समर्थ न हुए, श्री भगवान की कथा सुनते सुनते ध्यान करते करते परमात्मा का गुण गाते गाते मन्वंतर का काल व्यतीत कर दिया, इसी प्रकार 71 युग भगवान वासुदेव की कथा से मन्वंतर को जागृत, स्वप्न सुषुप्ति और तीनों अवस्था को कृष्ण कथा की व्यतीत किया। कारण इसी देह का यही फल है कि सुकृत कर्म से अपने आयु को व्यतीत न करे। व्यासनंदर विदुर, हे शरीर, दैविक भौतिक और मानसिक जो शीतोष्णादिक अनेक प्रकार से ताप है वो श्री वृंदावन विहारी की भक्ति हितकारी आश्रय वालों का कभी बाधा नहीं करते। वर्णाश्रम दिन अनेक प्रकार के शुभ धर्म, मनुष्य के धर्म, सब जीवों के धर्म जो जो मुनियों के पूछे ये वो मुझसे वर्णन किए, आदि निरूप स्वयंभू मनु का चरित्र मैंने सब आपसे वर्णन किया। अब उनके संतानों की कथा सुनो। श्रीमद् भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायाम सपत्नी कवस्ता स्वयंभू मनो और विवाह प्रत्यागमनम नाम द्वाविशोत्सवमध्याय कृष्णार्पणमस्तु। हिमाचल पुत्री महेश्वर की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। विश्वास सोच अपनी गुरुता से दम सुरदयता और मधुरवाणी से सुश्रुता करे, कपट दम्भ द्वेष लोभ पाप मद इन सब को त्याग कर महातेजस्वी मुनीश्वर को संतुष्ट करती रहे। इस प्रकार अपने शरीर का सब विचार कांत की सेवा करते करते शरीर शिथिल हो गया, परंतु पति की सेवा करने में मन थका नहीं। निश्चय करके 100 देवर्षियों में श्रेष्ठ करदम उसी मानवी सदाशिवी करने वाली सबसे बड़े भाग्यशाली पति से बड़े बड़े आशीर्वादों की अभिलाषा करने वाली बहुत दिन सेवा करने से जिनका शरीर दुर्लभ हो गया ऐसी देवहूति से प्रेम सहित गदगद वाणी से पीड़ित हो कृपा करके गर्दम जी बोली, हे मानसी, आज मानदात्री तुम्हारी परम शुश्रूषा से और अत्यंत भक्ति से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो देह देहधारियों को अत्यंत प्यारा है वो देह तुमने मेरी सेवा में अर्थ लगा दिया, अपना जीवन मरण कुछ न समझा, इसी कारण मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो मैंने स्वधर्म में रत होकर तप समाधि विद्या आत्मयोग से जीते भगवत के दिव्य प्रसाद प्राप्त किए उस मुझ में है, उनकी सेवा करके तूने अपने वश में कर लिया। अब मैं तुमसे दिव्य दृष्टि देता हूँ जिसके प्रताप से अभय अशोक सविस्तार संसार को तुम देखोगी। भगवान की भ्रुकुटी टेढ़ी होने से जिनकी अर्थ रचना का विनाश होता है और वैभव तो क्या वस्तु है, तू सिद्ध हो गई है, इसलिए निज धर्मपूर्वक प्राप्त हुए उन वैभव को अनुभव करो जो नृपों के सी क्रिया करके करने वाले मनुष्यों को भी नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार पति की सब योग माया और विद्या और पांडित्य को देखकर देवहूति सब पीड़ा और चिंता नष्ट हो गई। फिर विनय प्रेम से विवल हो गदगद वाणी से कुछ लज्जा की चितवन से विलसित हस्ती मुखारविंद वाली ये देवती बोली, हे विप्रवर, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप अमोघ योग माया के स्वामी हो, तुम में यह सब प्रस्तुत है ये मैं भली प्रकार जानती हूँ, परंतु तुमने जो मुझसे कहा कि पुत्र उत्पत्ति का मैं साथ विहार करूँगा, तुमने कहा था कि ऐसा ही होगा, सो अपने कहे अनुसार एक बार
अंग संग करना योग्य है, क्योंकि महान तेजस्वी पति से जो सती स्त्रियाँ संतान उत्पन्न करती है वह अत्यंत गुणवान होती है। प्रभु, अंग संग करने योग्य काम शास्त्रों की शिक्षा, जिसमें मेरी ये मलिन और क्षीण देह रमन करने योग्य हो, तुम्हारे किए हुए काम से मैं घर्षित हूँ, इस कारण उनको शांत करने के लिए उत्तम भवन बनाना चाहिए। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, प्रिया के प्रिय वचन करदम जी ने योग बल से उसी समय एक ऐसा परोत्तम विमान प्रकट किया कि इच्छानुसार सब भूमंडल में घूमने वाला, सब इच्छा पूर्ण करने वाला दिव्य यान, बड़े मृदुल्य के रत्नों से जड़ा हुआ, सब रुद्धियों के समूह से संचित मणि, मणिकों को खम्भों से शोभित दिव्य सामग्री, समय अनेक सुख देने वाला, नाना प्रकार की अद्भुत अद्भुत ध्वजा व विचित्र पताकाओं से विभूषित विचित्र पुष्पों के सुंदर माला अटक रही थी। इस भंवर के झुंड में झुंड गुंजार शब्द कर रेशम वस्त्र बढ़िया पीताम्बर आदि अनेक प्रकार से लगे हुए थे। चौखंडे पचखंडे रचे हुए स्थानों से मंदिरों में पृथक पृथक शैया चमर परेंक व्यंजन आसन जहाना नाना प्रकार के विराजमान, उन स्थानों को कारीगरी से चित्र सारी और तिवारी ऐसे मनोहर सवारी की थी जिनकी मनी मरकतमय भूमि से अद्भुत और वन रही थी। भीति के भीतर हीरे मानिक पद्मगन जहाँ ता चित्र विचित्र नेत्रों से समान चमक रहे थे। रंग बिरंगे अधिक मोल के शिमियाने तने हुए थे। एक बहुत लंबा वर्णन करती है कि बातों का ब्रह्मा जी विशुद्ध चित्त से उनके करने की जो इच्छा प्रकट हुई उनको अत्यंत सत्कार और हर्षित चित्त से करदम जी से ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, हे मान देने वाले, तुमने निष्कपट होकर मेरी पूजा की और मेरा वचन मान से तुमने ग्रहण किया। पुत्रों को पिता की इतनी शुश्रूषा करना चाहिए जो आज्ञा ऐसा कहकर पितृवचन गुरुवचन गौरववंश से माने। हे सभ्य, ये तुम्हारी नौ पुत्रियाँ और अपने प्रभाव से अनेक प्रकार की सृष्टि को बढ़ाएगी, इसके लिए इनके शील और रुचि के अनुसार मुख्य मुख्य मरीचि आदि ऋषियों को इन कन्याओं को दो और संसार में अपना यश विस्तार करो। हे मुनि, हम सब बातों की भली भांति जानते कि प्राणियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आदि पुरुष अपनी माया से कपिल देह धारण किया है। हे देवहूति, जिन आदि पुरुष ने तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया वो ज्ञान और शास्त्र का सिद्धांत और विज्ञान जो अपरोक्ष अर्थात बिना देखे बिना सुने बिना कहे यथार्थ वस्तु का ज्ञान लेना, यही दोनों एक उपाय है। इनसे कर्मों का जो मूल है अर्थात वासना उनको उखाड़ेगी। सुवर्ण केश कमल नयन पद्म चिन्ह वाले जिनके चरणारविंद ऐसे कैठ भय दैत्य के मारने वाले तुम्हारे आत्मरूप का अज्ञान और मिथ्या ज्ञानियों की ग्रंथों को काटकर सब पृथ्वी पर विचरेंगे और तुम्हारा पुत्र सब संसार में प्रसिद्ध होगा। सिद्धगणों को मुख्य शास्त्र शांक से आचार्यों में सेव्यमाय और लोक में कपिलदेव नाम से विख्यात होकर तुम्हारी कीर्ति की बढ़ाएगा। मैत्री जी बोले, जगतकर्ता चतुरानन उन दोनों स्त्री पुरुषों को धैर्य देकर सनत कुमार और नारद मुनि सहित हंस वाहन पर बैठकर सत्य लोक को चले गए। हे विदुर, जब ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए तब गर्दम जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार अपने नौ कन्याओं का विश्व रचने वाले मारीचि आदि मुनीश्वरों को दे दिया। कला नाम कन्या मारीचि को, अनुसय आत्री को, श्रद्धा अंगिरी को, हर्षुभु पुलश्य को, योग्य गति पुलह को, क्रियासति यज्ञ को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठि को और शांति अथर्व को दी। जिस शांति से यज्ञ समुष्ट होता है वो इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ विवाह करके स्त्रियां सहित उनके अत्यंत लालन किया। हे विदुर, विवाह होने के उपरांत ऋषि करदम जी से विदा मांग आनंदित हो अपने अपने आश्रमों को चले गए। करदम जी अपनी स्त्री में देव श्रेष्ठ विष्णु अवतार हुआ जानकर एकांत सा प्रणाम कर बोले, हे हर, अपने कर्मों से पापी जो नरकों में दुख भोगते उनका बहुत काल बीतने पर देवता उन पर प्रसन्न होते हैं। ये भी एक महात्मा पुरुष एकांत स्थान में बैठकर अनेक जन्म के किए हुए सुंदर योग समाधि संबंधी जप तप सावन साधन कर आपके पद पंकज के दर्शन के उपाय करते हैं। वही त्रिभुवनपति नारायण आज हमारे अपराधों को
बिसार कर अपने दासों को पक्ष पुष्ट करने वाले इसमें तुच्छ ग्रामवासियों के घर में आपने जन्म लिया है। अपने प्राण पूर्ण करने को और ज्ञान वैराग्य की शिक्षा करने को और भक्तों का मान बढ़ाने के लिए मेरे घर पर आपने अपना अवतार लिया। हे भगवान, यद्यपि चतुर्भुज आदि जो अद्भुत रूप है वे ही आपके योग्य हैं। आपके सुजन भक्तों से जिन जिन प्रकार से रूपों की इच्छा होती है, रूपहित आप उसी प्रकार रूप धारण कर उनको प्रसन्न करते हो। हे भगवान, प्रत्यक्ष तत्व ज्ञान के मनोरथ को महात्मा पुरुष जिन आपके चरण पीठ को नमस्कार करते उन ऐश्वर्य वैराग्य यश क्या ज्ञान कीर्ति श्री से पूर्ण और आप है उन आपकी मैं शरण हूँ, अर्थात सर्वगुण निधान आपके शरण होने से भी निष्काम हो गया। हे परमेश्वर, प्रधान पुरुष महत्त्व काल कवि अहंकार लोक और लोकपाल के अपने अनुभव से संसार में आने वाले हैं, भक्तों के अधीन जिनकी शक्ति और जिनके स्वरूप में सब प्रसन्न और प्रपंच समाया रहता है, ऐसे कपिल देव भगवान की मैं शरण हूँ। हे प्रजापतियों के पति, मैं आपसे संन्यास धारण करके कारण आदेश मांगता हूँ और यही जानता हूँ कि आपके अवतार लेने से पितृ ऋण से छूट गया और मेरी मनोकामना भी सिद्ध हुई। अब सन्यासियों के पदवी में स्थित हो आपके हृदय से धारण कर विशोक होकर विचरण करूँगा। भगवान बोले, हे मुने, सत्य लौकिक सब कार्यों में मेरा कहना सबका प्रमाण है। इस प्रकार जो वाक्य मैंने आपसे कहे थे वो सत्य करने की तुम्हारी यही मैं जन्म लिया हूँ। इस लोक में लिंग शरीर से मुमुक्ष लोगों को आत्मा के दर्शन के लिए और जगत की दुर्वासना मोक्ष के लिए और तत्व की संख्या के लिए संसार में मैंने जन्म लिया। बहुत काल में सूक्ष्म अनादि ईश्वर संबंधित ज्ञान मार्ग नष्ट हो गया, उनके प्रचार करने का ये मनुज अवतार संसार में मैंने धारण किया। जो कुछ कर्म करो वो मेरे निमित्त समर्पण करो, यही पूर्ण संन्यास है। इस बात को मन में धारण कर जहाँ इच्छा हो जाओ, अत्यंत दूर जाए, इस मृत्यु को जीतकर मोक्ष के अर्थ मेरा भजन करो। हे आत्मज्योति और सब जीव मात्र से हृदय में वास करता हूँ, अपनी बुद्धि से सर्वत्र परमात्मा को जानकर विगत हो अभय पद को प्राप्त होगे। सब कर्मों के नाश करने वाले ब्रह्म विद्या का उपदेश अपनी माता से लिए विस्तार सहित करूँगा, जिससे यह संसार बंधन से छूटकर तर जाएंगे। मैत्री जी बोले, जब कपिल देव जी ने इस प्रकार करदम जी के वचन कहे तब करदम जी प्रजापति कपिल देव जी को प्रदक्षिणा कर वन की ओर चले गए। मुनि लोगों का धर्म और मनोरथ है इसे स्थित होकर आत्मा के शरणांगत हो, सबका सत्संग तज कर मोह विगत हो फलार करने लगे। एक स्थान पर बैठकर सब पृथ्वी पर विचरनते रहे, जो कार्य कारण से परे सब है उनमें मन लगाकर गुणों को जिसमें प्रकाश ऐसे निर्गुण ब्रह्म से लवलीन हो, एक भक्ति को अनुभव करता हुआ अहंकार ममता त्याग सा सुख दुख सम्मान समझकर समदर्शी ज्ञानदर्शी हो, सब में शांति बुद्धि और जैसे समुद्र सब तरंगे शांत हो जाते, इसी प्रकार महावीर प्रजापति कर्दम ऋषि ने परम भक्ति भाव से अपना मन सब प्राणियों में आत्मा वासुदेव से भगवान सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी लगाकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर बंधनों से मुक्त हुए। सब जड़ चेतन से आत्मा भगवान वासुदेव को स्थित देखने लगे। सब जड़ चेतन को भगवान वासुदेव आत्मा में कामना द्वेष त्याग सर्वत्र समान चित्त कर भगवान की भक्ति में लय हो भगवत गति को प्राप्त हुए। इति श्रीमद्भागवत पुराणे तृतीय स्कंदे कपिल देव अवतारण वर्णन नामो चतुर्विशतो अध्याय। अभी देवहूति और कपिल जी महाराज का संवाद है। देवहूति बोली, हे भूमन, हे प्रभु, खोटे इंद्रियों की तृष्णा से अब वैराग्य प्राप्त हुआ, जिन विषयों की भावना से अंधतम से गिरना पड़ा, जो महागंभीर दुख से समुद्र में कठिनतापूर्वक पार जा सका, उसे अंधकार को पार करने वाले अनेक जन्मों के अंत में आपकी कृपा से मुझ पर इस सुंदर स्वरूप का दर्शन हुआ। जो पुरुष और पुरुषों में आद्य पुरुष भगवान श्री ईश्वर है, वो आप अंधियारों से अंधे हुए लोगों को सूर्य के समान नेत्र रूप तुम उचित हो। इस कारण हे देव, ये असत आग्रह अहम ममता मोह आप में ही इसमें संयोग कर रखा है, आप हमारे मोह को दूर कीजिए। शरणांगत के प्रति पालन भक्तवत्सल अपने
भक्तों की मृत्यु के वृक्षों को काटने के लिए कुठार रूप सद्धर्म में श्रेष्ठ प्रकृति पुरुष जानने की इच्छा करके मैं तुम्हारी शरण आई हूँ, इसलिए आपके प्रणाम करती हूँ। मैत्री जी बोली, इस प्रकार अनिंद्य चाह अपनी माता की सुनी और मनुष्यों को मोक्ष देने वाली बुद्धि से सराहना कर आत्मज्ञानी संतों की गति मंद मंद मुस्काए हुए शोभायमान मुख से अपनी माता से कहा, पुरुषों के कल्याणार्थ ब्रह्म विद्या आशा रखनी चाहिए, यही मेरा मत है। जिस ब्रह्म विद्या के लाभ होने से सुख दुख का नाश होता है, सर्व प्रकार से बहुत निपुण योगों की सुनने की इच्छा वाली योगियों को जो योग मैंने प्रथम कहा वही कहता हूँ, तुम श्रवण करो। निश्चय करे कि चित्त इसे बंधनार्थ और आत्मा का चित्त मुक्ति में अर्थ भी कहा है। गुणों में आसक्त होने से बंधन होता है, जो पुरुष ईश्वर में लगे तो मुक्ति हो जाती है। जब मैं मेरा यह अभिमान उठा हुआ काम लोभादि मलों से सहित शुद्ध मन होता है तब सब दुख का नाश होकर सुख की प्राप्ति होती है। तब पुरुष आत्मा केवल प्रकृति से परे निरंतर स्वयं ज्योति अनुमात्र अखंडित परमेश्वर को ज्ञान वैराग्य भक्ति युक्त आत्म द्वारा सबसे उदासीन प्रकृति से पराक्रम का नाश करने वाला ब्रह्म जीव ब्रह्म को देखता है। भगवान अखिलात्मा में लगे हुए समान योगियों को ब्रह्म सिद्धि के लिए इससे अधिक और मंगलदायक मार्ग नहीं है। इस जीव को जगत में आसक्त हो जाना अजर अमर फांसी है। यही आसक्ति साधु संतों में करे तो उसके लिए मोक्ष का द्वार खुलता है। मुनिजनों का कथन है कि सब बातें इस है, देहधारियों के लिए दयालुता रखे और जीव मात्रा के लिए स्वहृदयता बरते। किसी का अपना शत्रु न समझे, शांत गुण पर कार्य सहायक साधुओं के अलंकार है। जो मुझे अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति करके मेरे लिए सब काम त्यागते और सब सौजन बंधुओं से स्नेह छोड़ते, जो मेरी मनोहर मृदुल कथाओं को सुनते हैं और अथवा कहते हैं, और जो अपना मन मुझ में लगाते हैं, किसी प्रकार का ताप नहीं करते हैं, व्याप सकता है। हे साध्वी, जो साधु संत के सब संग से रहकर कथा श्रवण करते हुए यही सबसे बड़ा तप बताया है, महात्माओं का सत्संग करना चाहिए, इसलिए कि वह सब संगत के दोषों को दूर करने वाले हैं। हे जननी, संतों के प्रसंग में मेरे पुरुषार्थ वाली हृदय और कर्ण की सुखदायक आत्मज्ञान करने वाली कथा होती है, उनके शून्य और प्रेम करने से मोक्ष मार्ग शीघ्र ही प्राप्त होता है। श्रद्धा प्रीति और भक्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद से सहज में ही उत्पन्न हो जाता है। मेरे चरित्र का चिंतन करने से प्रथम मनुष्य के हृदय में भक्ति प्रकट होती है। संतों की सुश्रेवा आज्ञा का पालन भक्ति करने से पुरुषों को वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्य में मेरी अलौकिक रचनाओं का विचार करने से योग युक्त होकर चित्त के ग्रहणार्थ कोमल योग से मार्ग में यत्न करे। प्रकृति गुणों से सेवा न करते हुए ज्ञान वैराग्य अधिक बढ़ाने वाला चिंतन करे, योग का साधन करे, सब कर्म मुझे समर्पण करे और एकाग्र चित्त हो। मेरी दृढ़ भक्ति करने में प्राणी सर्व अंतर्यामी मुझको प्राप्त होता है। हे देवहूति, ऐसी कौन सी भक्ति है जिनका मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, मुझ में किसी प्रकार की भक्ति करना चाहिए जिसके प्रभाव से बिना प्रयास तुम्हारा मोक्ष पद प्राप्त होता है, ऐसा मैंने सुना है। भगवान का वो उपलक्ष्य करने वाला योग तुमने कहा है, सो कैसा हूँ और उसके कितने अंग हैं जिसके तत्व ज्ञान होता है। हे हरे, ऐसे सुगम रीति से कोई शिक्षा मुझको दो कि जिसके प्रभाव से मैं मंदमती स्त्री भी तुम्हारे अनुग्रह से कठिन बात को समझ सकूं। मैत्री जी बोले, कपिल देव जी ने अपनी जननी मनोरथ को जानकर अनेक स्नेह किया और शरीरधारी होकर जन्मे उस माता के तत्व की संख्या वाले सांख्य शास्त्र की शिक्षा भक्ति विस्तृत योग की रीति से कपिल देव जी ने कहने को उद्यत हुए। भगवान बोले, गुणों के जिनके शरीर वेद विहित कर्म करे, ऐसी इंद्रिया अथवा उनके अधिष्ठा देवताओं को सत्वगुण एक मन है, उनके जो स्वाभाविक वृत्ति है वही भक्ति है। निष्प्रयोजन की हुई भागवती भक्ति सिद्धि भी वही है। जठरानल भोजन किए हुए अन्न को भस्म कर देती है वही भक्ति है। वासनाओं को जला देती है। मेरे चरणों की सेवा में जिन पुरुषों की चेष्टा
रहती है, और जो केवल मेरे ही लिए सब कर्म करते वो सब सायुज्य मोक्ष की इच्छा नहीं रखते। सज्जन पुरुष इकट्ठे होकर मेरे चरित्र की प्रशंसा करते हुए संतों का आश्रय प्राप्त करते हुए सुश्रुता करती है। ये महात्मा लोग मेरे कोटिशीयशम प्रसन्न वदनम अरुणम नयनम दिव्य वर प्रदम रूपों की वाणी से कहते हैं, आनंदित होकर निहारते। दर्शन योग्य रूप उदार विलासास अलोकोकन संभाषण अत्यंत मनोहर भक्ति से जिनके प्राणों मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है उनको बिना इच्छा के भी सूक्ष्म गति देती है। मेरे भक्तों की यद्यपि माया भी ईश्वर की बयानी हुई सत्य लोक आदि भोग संपत्ति और अष्टांग योग की विभूति रूप अनिमादि ऐश्वर्य स्वतः ही अनायास ही प्राप्त होता है, पर जिनकी अविद्या निरुत्त हो गई वो ऐसे मेरे भक्त मेरी आनंदमय वैकुंठ धाम में विभूति है उसकी प्रसा रखते हैं। जो सत्पुरुष मुझ में परायण है वो शांत रूप कभी नाश नहीं होते और मेरा कालचक्र उनको नहीं मार सकता, क्योंकि जिनका मैं प्रिय आत्मा हूँ पुत्र के तुल्य प्रतिपालक मित्र समान विश्वासी गुरु के सदृश उपदेश गुरु के आज्ञा का पालन भ्राता के समान हितकारी देवतावत पूज्यवर हूँ। इस लोक में परलोक में और दोनों लोक में जानने वाले आत्मा को और आत्मा के पीछे जो यहाँ धन पशु ग्रह इत्यादि और वस्तु है सब उनको त्याग कर विश्वमुख मुझको ही अनन्य भाव से भजते हैं उनको मैं संसार सागर पार कर देता हूँ। भगवान प्रधान पुरेश्वर और सब पदार्थों की आत्मा अधिष्ठाता मैं हूँ। मेरी शरणांगत बिना आत्मा को सब जीवों का तीव्र भय कभी निरुत्त नहीं हो सकता है। मेरे भय से पवन चलता है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षाता है, अग्नि दाह करता है, मृत्यु संसार से घूमती फिरती रहती है। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग से योगी जन अपनी कुशलता से लिए हुए निर्णय हो मेरे चरणारविंद का आश्रय लेते हुए पुरुषों को आनंद का हेतु अब इस लोक में इतना ही है कि तीव्र भक्ति योग से स्थिर मन मुझ में अर्पित करे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाष्य टीकायां कपिलयो गोपाख्य योग माणिक्य मंजुषालय भक्ति लक्षणार्थ नामम पंचवितशितो अध्यायः। पुरुष की आत्मा का दर्शन जो ज्ञान मोक्ष के लिए वह तुमने वर्णन करता हूँ वही ज्ञान हृदय की ग्रंथियाँ भेदन करने वाले हैं। अनादि आत्मा पुरुष निर्गुण प्रकृति से परे पूजने तेज का आप ज्योति स्वरूप है जिनके ये विश्व प्रकाशित है। हे प्रभु सूक्ष्म व दैवी गुणमयी यदश्रेया प्राप्त प्रकृति लीला करके प्राप्त हुए यहाँ एक सिद्धांत है। आवरण शक्ति और विशेष शक्ति भेद से प्रकृति दो प्रकार की है। आवरण शक्ति जो है कि वही जीवों की उपाधि अविद्या है और विशेष शक्ति जो है वो परमात्मा की माया है और पुरुष भी जीव ईश्वर के प्रकाशित है। जो प्रकृति अज्ञान से संसार में आता है वो जीव है वही प्रकृति को वश करके विश्व की सृष्टि आदि करता है वही ईश्वर है। ज्ञान की ढकने वाली माया को विचलित अपने समान प्रजा को गुण से रचती है। देख जीव ज्ञान चेष्टा के मोहित हो उसे स्वरूप को भूल गया अर्थात मैं ही देह हूँ ये समझने लगा। इस प्रकार परमेश्वर के ध्यान से और प्रकृति के किए हुए गुणों से कर्म करने पर भी ये जीव कहता है कि मैं कर्म करता हूँ। कर्ता भाव को आत्मा से मानता है यद्यपि पुरुष समिमात्र है इस अकर्ता है तो भी इस अकर्ता को अपने आप में कर्तत्व धर्म को मानने से ही कर्म का बंधन होता है। जो किसी के अधीन नहीं है उसी को भोगों में पराधीनता होती है और जो सुखात्मक है वह जन्म अर्थात मृत्यु प्रवाह होता है। कार्य कारण कर्तृत्व में कारण प्रकृति को जाने सुख दुख के भोक्ता प्रकृति से परे पुरुष है। देवती बोली के पुरुषोत्तम प्रकृति पुरुष का लक्षण कहो और इनकी सत असत आत्मा का जो कारण है वही कहो। श्री भगवान बोले स्वतः ही विशेष अर्थात भेद रहित होने पर जो सर्व विशेष का आश्रय और प्रधान तत्व है उसी प्रकृति कहते हैं। क्या ब्रह्म को प्रकृति कहते हो? नहीं, वो त्रिगुणा है और ब्रह्म गुण रहित है। तब क्या महत्त्ववादी नहीं है? नहीं है, कार्य नहीं है, महत्त्ववादी कार्य है। क्या फ काल आदि नहीं वो कार्य है, कारण रूप है वही कार्य कारण रूप नहीं है। तब क्या जीव प्रकृति नहीं है वह नित्य है। पाँच पाँच चार और दस ये 24 तत्व से समूह प्रकृति की बनावट होने के प्राकृतिक कहलाता है। पृथ्वी जल पवन आदि आकाश पांच माँ भौतिक होते हैं। गंध रूप रस स्पर्श शब्द ये पांच तन्मात्र है।
कर्ण त्वचा दृष्टि जिह्वा श्रोत्र नासिका ये पांच ज्ञानेन्द्रिय, वाक कर चरण शिष्ण गुदा ये पांच कर्मेंद्रिय है, मिलकर दस इंद्रिया है। मन बुद्धि अहंकार चित्त आत्मा के भीतर है। लक्षण रूप वृत्तियों से चार प्रकार का भेद लक्षित होता है। सगुण रूप का इतना ही ध्यान व्याख्यान है, ये संक्षिप्त मात्रा मैंने तुमसे कहा है। जो काल है वो भी माया का ही एक अवस्था 25 तत्व होकर रहती है। जो पुरुष अहंकारवश हो मूढ़ता से कहते हैं कि ये काल परमेश्वर का प्रभाव है और देह हम है, इस प्रकार अज्ञान से देहाभिमानी पुरुषों को जगत का भय बना रहता है। हे माता, जिसका कोई विशेष स्वरूप नहीं है, तीनों गुणों की साम्य अवस्था ही, जिनका स्वरूप ऐसे प्रकृति के चेष्टारूप काल में भगवान का अनुमान होता है। जो भगवान अपनी माया से सब जीव मात्र से भीतर प्राप्त हो रहे, भीतर पुरुष से और बाहर काल रूप से रहते हैं, दैव से जिनके धर्म मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसे अपने योग माया से महापुरुष के हिरण्यमय महत्तत्व को रचा, अपने भीतर विश्व को जो धारण किया था उनको प्रकट किया और सर्वात्मा स्थिर जगत का अंकुर महत्तत्व का अपने आप सुनने वाले तुमको अपने तेज से पी लिया। जो सत्वगुण स्वच्छ शांत राग द्वेष रहित भगवान का उत्तम स्थान है, जिसको वासुदेव कहते हैं, ये महत्तत्व रूप चित्त है। पंडित लोग इसे ये सिद्धांत कहते हैं कि उपास्य वासुदेव है, शत्रज्ञ अधिष्ठाता है। इसी प्रकार उपास्य व अहंकार में संकर्षण उपास्य है, रुद्र अधिष्ठाता है। इनमें अनिरुद्ध उपास्य है, चंद्रमा अधिष्ठाता है। बुद्धि में प्रदुम्न उपास्य है, ब्रह्म अधिष्ठाता है। पृथ्वी का संसर्ग होने से प्रथम जैसे जल की स्थिति स्वच्छ और शांत होती है, वैसे दूसरे विकार के प्राप्त होने से प्रथम स्वच्छता अर्थात भगवान के विभवों का ग्रहण करता है, लय विशेष शून्य होता है। शांत होना वृत्तियों से द्वारा महत्तत्व का लक्षण कहा जाता है। भगवान के वीर्य से जिनकी उत्पत्ति ऐसा महत्तत्व विकार से प्राप्त हुआ, तब क्रिया शक्ति अहंकार त्रिविध उत्पन्न हुए। वैकारिक तेजस तामस जिसको हो, वो मन इंद्रिया पंच महाभूत महत्तत्व से प्रकट होते हैं। अहंकार से उपास्य देवता भगवान शेष जी है, जिनके सहस्त्र शीर्ष है, उनको साक्षात अनंत कहते हैं। वो संकर्षण संकीर्ण पुरुष है, भूत इंद्रिया मनोमय है। कर्तृत्व करणत्व कार्यत्व शांतत्व घोरत्व विमूढ़त्व ये अहंकार के लक्षण हैं। जब सात्विक अहंकार विकारों को प्राप्त होता है, तब मनस्तत्व प्रकट होता है और संकल्प विकल्प से जो कामना उत्पन्न होती है वो मन का लक्षण है। सब इंद्रिया अधीश्वर शरत काल से कमल समान श्वास स्वरूप को योगों से सुंदर आराधन करके योग्य उनको अनिरुद्ध कहते हैं। हे जननी, तेजस अहंकार तत्व विकारों को प्राप्त हुआ, तब बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ, उससे द्रव्य का स्फुरण ज्ञान इंद्रिया अनुग्रह होता है। संशय मिथ्या ज्ञान निश्चय स्तुति निद्रा ये बुद्धि के लक्षण है, सब वृत्तियों से पृथक है। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दस राजंस अहंकार से उत्पन्न हुई। कहते कि क्रियाशक्ति प्राण की है और विज्ञान शक्ति बुद्धि की है, ये दोनों राजस्व और अहंकार से उत्पन्न हुई, इसीलिए ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय भी इसी से उत्पन्न हुई। भगवान के वीर्य से प्रेरित तामस अहंकार जब विकारों को प्राप्त हुआ, उसमें शब्द मात्र प्रकट हुआ और शब्द से नभ उत्पन्न हुआ और शब्द की उपलब्धि करने वाली श्रोत्र इंद्रिया राजस्व और अहंकार उत्पन्न हुए। शब्द से सब पदार्थों के नाम होते, जो मनुष्य की दृष्टि से नहीं आता तो भी किसी पदार्थ को देखकर उसके चिन्ह मात्रा से ज्ञान होना, उसकी मात्रा ज्ञान की ये कवियों ने आकाश में लक्षण कहा है। शब्द के अर्थों को अर्थात जिसने सब पदार्थों का नाम रखे जाते हैं, जानना और देखने वाले के चिन्ह मात्र ज्ञान होना, यही उनकी मात्रा से पहचानना, ये बुद्धिमानों का आकाश का लक्षण कहते हैं। प्राणी मात्र का अवकाश छिद्र रखना और दहा बाहर भीतर के व्यवहार को आश्रय देना, प्राण इंद्रिय आत्मा का स्थान रखना आकाश की वृत्ति का लक्षण है। शब्द तन मात्र वाला आकाश जब आकाश की गति से शुद्ध हुआ, तब उसमें स्पर्श तन मात्रा हुई प्रकट हुई और उसी वायु उत्पन्न हुआ, तो त्वगिंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है। कोमलता कठिनता शीतलता और उष्णता ये स्पर्श रूप वाले पवन की तन्मात्रा, ये स्पर्श का लक्षण है। वृक्षादिकों के पत्तों को चलायमान करना, शब्द का ले जाना
और तृणादिकों को मिलाना, प्राप्त करना, सब इंद्रियों को कर्म द्वारा बल देना, ये वायु के लक्षण है। जब स्पर्श वाली वायु दैव से प्रेरित हुई तब उनसे रूप प्रकट हुआ, उसमें से तेज हुआ, उसमें से ग्रहण करने वाली चक्षु इंद्रिया हुई। हे माता, रूप पदार्थों को आकार देता है और द्रव्य में गौण रीति से प्रतीत होता है और पदार्थों की रचना के पीछे प्रतीत होता है, ये भी रूप मात्रा की वृत्ति है। प्रकाश, पाचन, पान, भोजन, शीत, मर्दन, भूख, प्यास, सुखाना, ये तेज की प्रवृत्ति है। जब दैव इच्छा से रूप गुण वाला तेज विकारी हुआ तब उनसे रस तन मात्रा हुई, उनसे जल हुआ, उनको ग्रहण करने वाली जीव हुई। ये एक रस भौतिक विकार से कशेला, मधुरा, चरपरा, कड़वा और खट्टा आदि अनेक भेदों को प्राप्त होता है। गीलापन, गोला बांधना, तृप्ति करना, जीवन प्यास मिटाना, नर्म करना, ताप दूर करना, कृपा आदि से जल निकालने के पर भी अधिक होना, ये जल की वृत्ति है। रजगुण वाला जल जब दैव से प्रेरित हो विकारों से प्राप्त हुआ तब उसमें गंधतन मात्र हुई, उसमें पृथ्वी हुई, नासिका से गंध ग्रहण होता है। ये एक ही गंध संसर्ग वाले पदार्थों की विषमता से मिली। गंध और सुगंध शांत, उग्र आदि अनेक भेदों वाली होती है। प्रतिमादिक रूप से ब्रह्म का भाव करना, स्थान देना, धारण करना, आकाशादि को महा मठाकाशादिक रूप से भिन्न होता है। सब जीव मात्र से गुणों का भेद करता है, ये पृथ्वी की वृत्तियाँ के लक्षण है। आकाश का मुख्य गुण शब्द रूप विषय वाली श्रोत्रिय इंद्रिय कहलाती है और वायु का मुख्य गुणयुक्त स्पर्श गुण वाली त्वगित इंद्रिया कहलाती है। तेज के मुख्य गुण रूपी विषय वाली चक्षु इंद्रिया है और जल के मुख्य गुण रस के विषय वाली जिह्वा इंद्रिया है। पृथ्वी का मुख्य गुण गंधों को विषय करने वाली घ्राणेन्द्रिय कहलाती है। ये सब पूर्व के पदार्थ का पिछले पदार्थ में संबंध होने से अपने कारण आकाशादिक पदार्थों का धर्म शब्दादिक कार्य रूप वायु आदि पदार्थ में अपने धर्म स्पर्शादिक संग दिखता है। इसी में पृथ्वी के चारों कार चरणों में धर्म शब्द स्पर्श रूप गंध और अपना धर्म गंध ये देखने में आता है। जब ये महत्त्वादि सातों पदार्थ परस्पर मिले तब इसमें और तत्वों में जो भी काल कर्म गुणों को साध जगदादि ईश्वराग्नि प्रवेश किया, फिर परमेश्वर के प्रवेश करने से जब ये क्षोभ को प्राप्त हुए तब अचेतन अंड प्रकट हुआ जिसमें विराट पुरुष हुआ। 14 भुवन वाला ये भगवान का स्वरूप भूत पृथ्वी रूप ब्रह्मांड हरा और प्रधान से घिरी हुई जलादि सात आवरण है। क्रम से एक क्रम से 10 गुण बड़े हैं, उनसे घिरे हैं। उदासीनता को त्याग कर भगवान के महादेव ने जल में पड़े हुए हिरण्यमय अंड कोश के में प्रवेश किया, बहुत प्रकार से छिद्र कर दिए, मुख्य प्रथम प्रकट हुआ, उसमें से वाणी हुई, उनके देवता वन्नी हुई, फिर नाक उत्पन्न हुई जो प्राणों को चलाने वाली हुई, उनसे घ्राण इंद्रिया हुई, प्राणों से वायु उत्पन्न हुई, इस दोनों से चक्षु हुए, उनसे सूर्य उत्पन्न हुआ, फिर कान प्रकट हुआ, उनसे श्रोत्र इंद्रिया हुई, उनसे दशो इंद्रिया हुई प्रकट हुई, फिर विराट को त्वचा निकली, उसमें से रोम मूछ केस आदि हुए, उसमें से सब औषधियाँ उत्पन्न हुई, फिर शिष्नेन्द्रिया हुई, इसमें जल रूप वीर्य उत्पन्न हुआ, फिर गुदा उत्पन्न हुई, गुदा से आपान पाए, आपान वायु से लोगों की भय देने वाली मृत्यु प्रकट हुई, फिर विराट के दोनों हाथ उत्पन्न हुए, उनमें बल हुआ और इंद्र देवता प्रकट हुए, फिर विराट के पांच पाँव निकले, उनमें गति हुई और हरि देवता प्रकट हुए, फिर नाड़ियाँ निकली, उसमें से रुधिर भरा और नदियाँ प्रकट हुई, फिर उदर उत्पन्न हुआ, उसमें से भूख प्यास हुई, सागर देवता हुए, फिर विराट के हृदय उत्पन्न हुआ, उसमें से मन उत्पन्न हुआ, मन में चंद्रमा प्रकट हुआ, फिर सब वाणियों में वाणियों के पति बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, फिर हृदय से अहंकार उत्पन्न हुआ, उसमें क्षत्रज्ञ अधिष्ठाता प्रकट हुए, फिर विराट के हृदय में चित्त इंद्रिया उत्पन्न हुई और चित्त में क्षत्रज्ञ प्रकट हुआ, ये सब देवता उत्पन्न होकर उस विराट के देह में घुसे परंतु उनको उठा न सके, फिर क्रम से आकाशादिकों को उठाने वाले उसमें प्रवेश किया, वाणी के मार्ग से अग्नि में मुख में प्रवेश किया तो भी विराट न उठ सका, प्राण इंद्रिया सहित नाकों में पवन घुसी तो फिर भी विराट न उठ सका, इंद्रिया सहित भास्कर ने नेत्रों में प्रकट किया तो भी विराट न उठ सका, शत्रों के संग दिशा एक कान में घुसी तो भी विराट न उठ सका, फिर ओम सहित सब ओष औषधियाँ त्वचा में घूमी
तो भी विराट न उठ सका। वीर सहित जल में शिष्ण से प्रवेश किया तो भी विराट उठ न सका। अपान सहित मृत्यु स्वगुदा के आई तो भी विराट उठ न सका। इंद्र ने बल सहित हाथों में प्रवेश किया तो भी विराट उठ न सका। सहित विष्णु ने चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट उठ न सका। नदियाँ रुधिर सहित नाड़ियों में घुसी तो भी विराट उठ न सका। क्षुधा तृष्णा सहित समुद्र में उदर में प्रवेश किया तो भी विराट उठ न सका। मन सहित हृदय में चंद्रमा में प्रवेश किया तो भी विराट न उठ न सका। बुद्धि सहित ब्रह्मा जी हृदय में बैठे तो भी विराट उठ न सका। अभिमान सहित रुद्र ने हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट उठ न सका। चित्त सहित चित्त में स्वामी क्षत्रज्ञ ईश्वर के हृदय प्रवेश किया उसी समय विराट पुरुष जल से उठ बैठे। जैसे सोए हुए पुरुष को प्राण इंद्रिया मन बुद्धि जिनके बिना कोई अपने पराक्रम से उठा नहीं सकता, इसी प्रकार इस विराट पुरुष को चेतन शत्रज्ञ को बिना कोई नहीं उठ सका। सब जीव के प्रति इन ईश्वर के योग से उत्पन्न हो बुद्धि की प्रवृत्ति होती है कि उनके विरक्त और विरक्ति से एकांत में बैठकर ज्ञान उत्पन्न करे। फिर पुरुषों को चाहिए कि देह में आत्मा का विचार करे। जब आत्मा का विचार निश्चय हो जाए तब नित्य उसी का ध्यान और चिंतन व किया करे। इति श्रीमद् महाभागवत पुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां चतुर्थ विशतत्व वर्णन नाम षड्विंशोत्तम अध्याय।